दोस्तों आज के वीडियो में हम शॉर्ट फुट फेंकने का तरीका देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शॉर्ट फुट के हम कुछ एग्जेस दिखे थे पिछले वीडियो में, जहाँ पर अच्छे थ्रो किए थे, बैक थ्रो, फ्रंट थ्रो। तो आज के वीडियो में हम शॉर्ट फुट फेंकने का असल तरीका क्या है, इसके साथ आप शॉर्ट फुट बहुत अच्छी तरह से फेंक सकते हो। तो शॉर्ट फुट किस तरह से फेंकना चाहिए, जिसका टेक्निक क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। कौन सा टेक्निक हमें करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे भी कि शॉर्ट फुट किस तरह से फेंकना है। शॉर्ट फुट फेंकते वक्त आपका हाथ का एंगल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट फुट हाथ में कैसे पकड़ना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में आज हम बताएंगे। और उसके साथ कुछ ट्रेल वर्कआउट भी देखेंगे। मतलब क्या, आपके अगर आप शॉर्ट फुट अच्छे से करते हो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथों में बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेंथ चाहिए, तभी आप शॉर्ट फुट बहुत अच्छी तरह से फेंकेंगे। जहाँ पर शॉर्ट फुट फेंकने के लिए आपके हाथों में दोस्तों बहुत पावर चाहिए, उसका भी हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे, जिसके वजह से आपका शॉर्ट फुट बहुत अच्छी तरह से आप क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों शॉर्ट फुट फेंकने का असल तरीका क्या है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों ये जो शॉर्ट फुट का सर्कल है, यहाँ पर जो शॉर्ट फुट का सर्कल है 2 मीटर तक होता है और यहाँ पर 2 मीटर उसका व्यास होता है। और यहाँ पर हम शॉर्ट फुट फेंकेंगे, इस तरह से टेक्निक करना है आप अच्छे से। सबसे पहले हम स्टैंडिंग टेक्निक देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको खड़े रहना है। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों पैर है, इस तरह से आपको बेंड करना है, आपका जो ने इससे आपको बाहर की तरफ निकालना है। यहाँ पर इस तरह से आपको खड़े रहना है। तो यहाँ पर जो हाथ है आपका शॉर्ट फुट कहाँ पर पकड़ते, देखो यहाँ पर जो हाथ का आपका जो फिंगर है, यहाँ पर हम शॉर्ट फुट पकड़ेंगे इस तरह से। और आपको देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट होते हैं, उनका शॉर्ट फुट बहुत अच्छी तरह से जाता है, 20 मीटर 22 मीटर तक फेंक सकते हैं, लेकिन उनके हाथ थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ से आपको शॉर्ट फुट प्रेस करना है और ज़्यादा नीचे भी नहीं है पकड़ना, इस तरह से यहाँ पर पकड़ना है आपको। और यहाँ से आपका शॉर्ट फुट प्रेस होता है और ज़्यादा दोस्तों आपको फिंगर में भी लेना नहीं, यहाँ पर पकड़ेंगे हम और शॉर्ट फुट प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें खड़े रहना है और यहाँ पर ऐसे आपको शॉर्ट फुट पकड़ना है। यहाँ से जो नेक है, यहाँ पर इस तरह से आपको शॉर्ट फुट पकड़ना है और आपका जो हाथों का एंगल है इस तरह होना चाहिए 90 डिग्री तक, ज़्यादा नीचे नहीं। ज़्यादा नीचे लगाने के बाद आप अच्छे से थ्रो कर नहीं पाओगे, इस तरह से आपको शॉर्ट फुट पकड़ना है। और आपको ऐसे खड़े रह के दोनों पैरों को बेंड करना है और इस तरह से आपको टर्न होंगे, ऐसे आपको शॉर्ट फुट पकड़ना है। हाथ को ऐसा भी नहीं करना और नीचे भी इस तरह से एंगल नहीं करना, सिर्फ इस तरह से प्रेस करना है। और यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छे तरह से शॉर्ट फुट प्रेस होता है। ये जो शोल्डर है, शोल्डर के साथ इस तरह से हैंड पंप को लेना है और ऐसे आपको शॉर्ट फुट पकड़ना है। के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टेपिंग लेके शॉर्ट फुट फेंकेंगे। तो स्टेपिंग लेके किस तरह से हम शॉर्ट फुट फेंकते हैं, देखो इस तरह से आपको यहाँ पर खड़े रहना है, यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट फुट को पकड़ना है और आपको ऐसे स्टेप लेना है, ठीक है, इस तरह इसे करेंगे और यहाँ पर होल्ड रख के आपको ये शॉर्ट फुट फेंकने का तरीका होगा। इस तरह से आपको शॉर्ट फुट फेंकना है। गोला हमें बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें हाथों में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए और हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें वर्कआउट तो करना पड़ेगा। तो हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें कुछ वर्कआउट भी करना चाहिए, जिसके वजह से आपके हाथों में भी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप गोला भी अच्छे तरह से क्लियर कर पाओगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहला वर्कआउट आपको डिप्स लगाना है और डिप्स दोस्तों आपको 10 या 12 रेपिटेशन लगाने हैं और डिप्स के आपको दोस्तों 3 या 4 सेट लगाने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर डिप्स लगाएंगे। हमें क्या करना है, आपको पैरों को सिर्फ दोस्तों आपको आगे लेना है सिर्फ, और इसके इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर में और ट्राइसेप में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों हम डबल बार पर करेंगे। इस तरह से हमें हम पैरेलल डिप्स लगाने हैं और इससे आपके हाथों में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी शॉर्ट फुट फेंकने में आपको आसानी हो जाएगी।